हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे नाश्ते के बारे में जो अगर आप सुबह सुबह आप खाते हैं तो आप इतने हेल्दी हो जाएंगे कि आप क्या बताऊं। जी हां दोस्तों, ये नाश्ता एकदम परफेक्ट नाश्ता है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, अगर आप इसे खाते हैं तो आप हेल्दी भी रहेंगे और आपकी जो दिन की शुरुआत है वो एकदम परफेक्ट बेस्ट होगी। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, इसे आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा पूरा फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में ही गलती कर देना तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो आप अपने ब्रेकफास्ट को सुधारिए जिस कारण आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। दोस्तों बेस्ट ब्रेकफास्ट के तौर पर अगर आपको बताऊं तो सबसे अच्छी चीज होती है स्प्राउट्स। जी हाँ दोस्तों, ये चने और यह मूंग की दाल दोनों को दोस्तों हमने भिगो कर रखा था और इनके हमने अंकुरित चने निकाले हैं और अंकुरित दाल निकाली है। दोस्तों दोनों को अगर हमने अंकुरित कर दिया तो बात ये होती है, कोई भी चीज़ जो अंकुरित हो जाती है उसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी बेहतरीन हो जाती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों अंकुरित दाल, अंकुरित चना, ये आपकी बॉडी के लिए ज़बरदस्त है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती। दोस्तों अगर हम चाहते हैं इसे कंप्लीट ब्रेकफास्ट बनाना तो हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये तो मैंने करीब एक मुट्ठी मैं लिया था चने और एक मुट्ठी ही करीब मैंने ली है मूंग की दाल। दोस्तों दोनों को हमने रात भर पानी में भिगो कर रखा और दोस्तों एक दिन के अंदर या फिर दो दिन के अंदर ये अंकुरित चने निकल आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर मिलाना क्या है। दोस्तों इसके अंदर मिलाना है हमें तीन से चार चीजें और वो कुछ इस प्रकार हैं। इसके अंदर हमें मिलाना होता है चार से पांच बादाम, करीब 10 से 15 दाने किशमिश के, करीब थोड़े से काजू मिलाने हैं और 1 से 2 मिलाने हैं छुआरे। दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप मिलाते हैं तो आपको बहुत गजब का फायदा होगा अपने इसके अंदर। तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप मिलाते हैं, यानी कि किशमिश, बादाम, काजू और छुआरे, दोस्तों ये आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन और कंप्लीट प्रॉपर्टीज देगा जो आपके ब्रेकफास्ट में होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए इन सबको मिलाते हैं। सारी चीजें मिला देते हैं हम इसके अंदर। जी हाँ ये रहा, तो दोस्तों हमने इसके अंदर सारी चीजें मिला दी हैं, यानी कि हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन बन चुका है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं, हमारे काजू बादाम हैं, हमारे किशमिश है, छुआरे, प्लस साथ में पौष्टिक आहार के रूप में हमारे अंकुरित चने हैं, मूंग की दाल है। तो दोस्तों इसके अंदर, इस एक कटोरे के अंदर वो सारे गुण हैं जो आपके ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाता है और जो आपको इतनी एनर्जी देता है कि आप पूरा दिन चाहे कितना भी काम करें आपको दोस्तों एनर्जी बनी रहेगी और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों इस ब्रेकफास्ट की कुछ खास बातें और हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि दोस्तों ये जो ब्रेकफास्ट है ये इतना गजब का है कि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे विटामिन्स हैं और ये आपको एनर्जी भरपूर देता है। दोस्तों ये वेट लॉस में भी बहुत फायदेमंद है, जो लोग चाहते हैं अपना वेट लॉस करना, तो दोस्तों इसके अंदर फैट बहुत ही नाम मात्र होता है जिस कारण आप दोस्तों अतिरिक्त चर्बी आपके शरीर पर नहीं चढ़ेगी और आप दोस्तों इसे खा सकते हैं और आपकी जो भूख है वो बहुत जल्दी शांत हो जाएगी। दोस्तों ये हैवी होता है बहुत, एक बात बता दूं मैं आपको, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत हल्का फुल्का खाना है, नहीं दोस्तों ये बहुत ही हैवी है और इसके खाने से दोस्तों आपको बहुत फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों ये है कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट आहार, इसको आप खाइए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए और अपने ब्रेकफास्ट को कमाल का बनाइए। दोस्तों ये वीडियो बहुत काम की है और जो मैंने आपको ये ब्रेकफास्ट बताया है प्लीज़ आप इसको खाइए और अपनी हेल्थ को सुधारिए। जी हाँ दोस्तों, हम आने वाली वीडियोस में आपके लिए और भी लंच के प्रोग्राम्स और डिनर के प्रोग्राम लेके आएंगे जिसमें आपको कंप्लीट आहार की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को दोस्तों अगर आप आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाकर सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हम इसके पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बस आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।